अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ जो है वो मोहम्मद आमिर और शाहीन के दरमियान क्या तकरार हुई है, क्या यहाँ बड़ी लड़ाई हो गया है शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर के दरमियान, जो है यहाँ क्या मामला है, आपको तमाम तरह डिटेल से जो है वो आपको आगाह किया जाएगा। दोस्तों अपनी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों कौमी टीम के क्रिकेट टीम के जो है वो T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की, बाबर आजम और विराट कोहली की कवर ड्राइव से मुतल्लिक जो है वो यहाँ बड़ी दिलचस्प जो है वो वीडियो वायरल हुई थी, जो कि मुतहिदा अरब अमारात के इंटरनेशनल लीग ILT T20 लीग में जो है वो के लिए डेजर्ट वाइपर्स को दिए गए जो है इंटरव्यू में मेज़बान शुएब मलिक ने जो है वो सवाल किया कि बाबर आजम और विराट कोहली में से किसको कवर ड्राइव ज़्यादा अच्छी है, किसकी कवर ड्राइव ज़्यादा अच्छी है, यानी कि सवाल पूछे, जिस पर मोहम्मद आमिर ने दो टोक अल्फाज में जवाब देते हुए कहा कि कोहली की कवर ड्राइव अच्छी है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, T20 क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब दिया कि जो है वो बाबर आजम की जो है वो कप्तानी अच्छी है। दोस्तों यहाँ जो है वो दोनों ही एक दूसरे के जो है बहुत मुखालिफ चलते हैं, ये दोनों बॉलर्स जो हैं वो बाबर आजम के साथ हैं जबकि मोहम्मद आमिर जो है विराट कोहली के साथ। क्यों दोस्तों एक साथ क्यों नहीं है, यहाँ लड़ाई की बात नहीं हुई, यहाँ जो है उन्हें सवाल पूछा गया और दोनों ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यहाँ लड़ाई नहीं हुई, आपको ज़रूर बताते हैं। दोस्तों यहाँ जो है वो बाबर आजम और कोहली की कवर ड्राइव को दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और शौकीन क्रिकेट भी दोनों क्रिकेटर का एक दूसरे से मुवाजना करते नज़र आते हैं। दोनों फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान सुपर लीग PSL के नवे एडिशन का हिस्सा है, जबकि शाहीन लाहौर कलंदर की क्यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मोहम्मद आमिर जो है वो टूर्नामेंट में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोस्तों आप इन राय के बारे में क्या कहेंगे, आपने जो है अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर पेश करनी है, जैसा कि ये मुखालिफ चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।